सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के निमित्त पूजा पाठ और उनके मंत्रों का जाप करने के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है। सावन के महीने में यदि भगवान भोलेनाथ के निमित्त उनके स्त्रोत्र और उनके मंत्रों का जाप किया जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं और उन्हें जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख नहीं आता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। यदि इस दौरान उनके स्तोत्र का पाठ विधि अनुसार किया जाए तो व्यक्ति को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ के स्तोत्र का पाठ करने की विधि को जानने के लिए हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने लोकल 18 से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। श्रावण मास आ रहा है तो श्रावण मास में सभी अनेक प्रकार से पूजा करने का विधान है। कई प्रकार से भोलेनाथ जी को हम प्रसन्न करते हैं, परंतु जो विशेषकर जो इसका महत्व है कि अगर हम भोलेनाथ जी के स्तोत्रों का पाठ किया करें तो उससे विशेष लाभ होता है। तो जैसा कि कई प्रकार के स्तोत्र हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगा, पशुपत्यष्टक स्तोत्र, रुद्राष्टक स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, विश्वनाथ स्तोत्र एवं काशी विश्वनाथ स्तोत्र, इस प्रकार से श्री विश्वनाथ मंगल स्तोत्र, महामृत्युंजय स्तोत्र, इस प्रकार से ये कई जो स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख स्तोत्र हैं इनके द्वारा इनका हम नित्य प्रति प्रातःकाल भगवान शंकर जी के मंदिर में अपने पवित्र मन से इनका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमें भगवान शंकर के सभी जो कृपा दृष्टि कृपा प्राप्त होती है और उनके द्वारा जब हम ये स्तोत्र कर लेते हैं हमें कई प्रकार के पुण्यों का लाभ मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है एवं हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।